थोड़ा सा बीच में आकर रुक जाओ, आ जाओ थोड़ा सा, फिर थोड़ा आ जाओ, फिर थोड़ा सा, फिर बिल्कुल नीचे। यार बॉल के बारे में हम सभी को पता है ना, हम बॉल को लेकर बहुत खेलते भी हैं, बट क्या आपको पता है बॉल भी आपका बात सुन सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉल का बात सुना के दिखाऊंगा और बॉल मेरी बात के ऊपर काम भी करेगा, यानी कि मैं जो कहूंगा वो करेगा। और ये जो मैजिक है, यानी कि ये जो जादू है, सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो चलो यार देर किस बात की, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यार देखो, मेरे पास है एक बॉल और जिसमें मैंने छेद कर दिया है और इसके अंदर डाल दिया है एक धागा। ठीक है, देख सकते हो बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से आर पार हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर मैं इस बॉल को यहां से इस तरीके से छोड़ दूं तो नीचे आ जाता है, और अगर मैं इधर से पकड़ के इधर से छोड़ दूं तो भी आ जाता है, अगर दोनों साइड को पकड़ता हूं तो भी आ जाता है। यानी कि इजी है, अंदर से छेद है, जो धागा है वो आर पार होता है। बट अगर मैं इस बॉल को कहूं कि रुक जाओ तो वो बीच में रुक जाएगा, मैं कहूंगा चलो स्टार्ट हो जाओ तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या देखना चाहते हैं? चलिए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों साइड को पकड़ लेता हूं और देखिए 1, 2 और 3 मैजिक। देखिए ये बॉल नीचे नहीं गिर रहा है। यस, अच्छा आपको लग रहा है मैं फिंगर दे के रखा हूँ इसलिए, बट एक्चुअली मैं दे के रखा हूँ, बट अभी बॉल को मैं कहता हूँ बॉल बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना है, वहाँ पर ही रुकना है, मैं फिंगर हटा रहा हूँ। ठीक है, वॉच, ये देखिए अभी बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा, जब तक मैं इसको नहीं कहूँगा आने के लिए तब तक वो नहीं कहेगा। अच्छा बॉल एक काम करो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा, हाँ गुड बॉय, तो फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अच्छा ये बॉय तो नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, ये बॉल है, तो चलो पूरा का पूरा नीचे आ जाओ। आ गया नीचे, यहाँ पर रुक जाना, ठीक है, नीचे बिल्कुल भी नहीं आना। तो देखिए नीचे बिल्कुल नहीं आया, रुक गया, थोड़ा सा आके रुक जाओ, थोड़ा सा आके, ओह गुड, और थोड़ा सा आके रुक जाओ, हाँ थोड़ा सा और, उतना थोड़ा सा नहीं बोला था, बिल्कुल कम बोला था मैंने, चलो पूरा का पूरा नीचे आ जाओ। ओके, तो देखिए पूरा का नीचे आ गया। अच्छा मैंने रुकने के लिए नहीं बोला तो पूरा नीचे आ गया, रुक जाओ वहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। अब थोड़ा सा, चलो थोड़ा नहीं, बीच में आकर रुक जाओ, बीच में, बीच में बोला था मैंने, हाँ अब स्लोली स्लोली नीचे जाओ, स्लोली स्लोली, धीरे 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 धीरे, ये गलती कर रहा है थोड़ा बहुत, ये अभी थोड़ा इसको सिखाना पड़ेगा सही तरीके से। बॉल बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे आकर रुक जाना है, थोड़ा और, कभी कभी ये हमारे साथ भी चीटिंग कर देता है ना, तो एक्चुअली है यह बहुत गजब का ट्रिक। थोड़ा सा बीच में आकर रुक जाओ, आ जाओ थोड़ा सा, फिर थोड़ा आ जाओ, फिर थोड़ा सा, फिर बिल्कुल नीचे, नीचे आ गया, और एक बार करते हैं, चलो और एक बार आ जाओ बिल्कुल स्पीड में, आ गया स्पीड में, फिर आ जाओ स्लोली 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 स्लोली, ओके स्लोली 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 स्लोली, हाँ बिल्कुल नीचे। तो देखा यार किस तरीके से ये मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनता है और अपने काम में यूज करता है। तो यार है बहुत कमाल का मैजिक। तो चलो यार अब हम सिखाएंगे इस बॉल का मैजिक को कैसे आप भी कर सकते हो। बट उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बनता है लाइक, फटाफट कंप्लीट करो, क्योंकि मैजिक कॉन्टेंट के ऊपर आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, और अगर डांस वगैरह होता है, नाच गाना होता है, तो उसमें ज्यादा लाइक होता है। यार ये भी एक टैलेंट है, इसको भी सम्मान करना चाहिए और इसको भी लाइक। तो चलो यार सीखते हैं इस मैजिक को कैसे किया जाता है। और उससे पहले अगर आप नए मैजिक सीखना चाहते हो, जादू सीखना चाहते हो, मैजिक सीखना चाहते हो, तो अभी का भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को लाइक कर देना, क्योंकि हम इस पेज के ऊपर भी आपको मैजिक सिखाते रहते हैं। तो गाइस ये जो बॉल है ये है एक मैजिकल बॉल, ऐसे सिंपल सा बॉल नहीं है। और अगर आप इस मैजिक को बाय करना चाहते हो तो हमारे साइट से बाय कर सकते हो। एक्चुअली नंबर भी दिया गया है, ये है हमारे शॉप का व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट करके एनी आइटम, कोई भी मैजिक आप बाय कर सकते हो। तो एक्चुअली ये होता कैसे, बहुत कम रेट है, घबराना नहीं है, ठीक है, 100 रुपीस के अंदर आपको ये बॉल मिल जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम इस तरीके से आपको दिखाते हैं कि जो धागा है, यानी कि जो भी है, ये आर पर बहुत इजी तरीके से हो जाता है, अगर हम इस तरीके से इसको छोड़ देते हैं तो ये नीचे आके अटक जाता है, इधर से छोड़ देते हैं तो इधर नीचे आ जाता है, बहुत इजी है। बट गिरता क्यों नहीं है, जब मैं मैजिक करता हूं तो ये धीरे धीरे क्यों आता है? तो ये जो है, इसमें इस बॉल के अंदर एक ऐसा सिस्टम किया गया है, अगर आप इस धागे को खींच के रखेंगे, थोड़ा सा खींच के रखेंगे तो ये बॉल आगे पीछे नहीं होगा, और अगर थोड़ा सा लूज कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये मैंने अभी दोनों तरफ से अच्छे तरीके से खींच के पकड़ के रखा है, ठीक है, ये नीचे नहीं आएगा। देखिए मैं इसको अगर धक्का दे रहा हूँ तो भी बहुत कम जा रहा है, और अगर मैं इस धागे को थोड़ा सा लूज कर दूँ तो पूरा का पूरा नीचे आ गया। यानी कि अगर आपको बीच में रुकना है बॉल को, तो आपको करना क्या, थोड़ा सा लूज करके फिर टाइट कर देना है, फिर लूज करके फिर टाइट कर देना है, तो वो आके रुक जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बीच में है, ठीक है, तो अभी अगर मैं धागे को थोड़ा सा हल्का करता हूँ और फिर टाइट कर देता हूँ, तो देखिए ये फिर से अटक गया, फिर ये, फिर ये, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा और, थोड़ा और,
थोड़ा और, तो आपको ये जो धागा है ये नीचे साइड या ऊपर साइड को आपको थोड़ा सा लूज करना है तो आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, देखिए मैं पूरा पूरा लूज कर दूंगा तो ये देखिए नीचे गिर गया, ठीक है। और फिर अगर मैं इसको टाइट करके पकड़ूँ तो कुछ नहीं होगा, फिर थोड़ा सा लूज करूंगा फिर नीचे आएगा, फिर लूज करके फिर खींच लूंगा। तो जहां पर आपको जिस तरीके से रुकाना है उस तरीके से आपको हाथ को आगे पीछे करना है, तो बॉल बहुत इसी तरीके से आगे पीछे होता रहेगा। तो ये है इस मैजिक का सबसे बड़ा राज। लेकिन यार मैं आपको बता दूं, मैजिक में कोई भी मंत्र तंत्र नहीं होता है, हर एक मैजिक के पीछे विज्ञान होते हैं, यानी कि साइंस होते हैं, होता है हाथों का कमाल, होता है बॉक्स का कमाल, और इसी तरीके से मैजिक होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ भूत का है, कुछ प्रेत है, कुछ जादू मंत्र है जिसके माध्यम से हम करके दिखाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक इंसान जादू कर सकता है, हर एक इंसान मैजिक कर सकता है, सीख सकता है। तो यार ये था आज का हमारा मैजिक, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फटाफट पेज को लाइक करो, और हाँ अगर कोई भी मैजिक आइटम खरीदना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग मैजिक ले आने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए मेरी तरफ से और तुम की तरफ से बाय बाय।